कपिल शर्मा। चंदू मेरे दोस्त, तू वापस आ गया। अरे जब फिर तो डाल यार। चंदू, अरे वो रूठा था ऐसे जैसे नई दुल्हनिया रूठ जाती है। इसकी कॉमिक टाइमिंग देख मेरी तो हंसी छूट जाती है। कपिल और चंदन की दोस्ती है इतनी सच्ची के बीच की दीवारें खुद ब खुद टूट जाती है। चंदू मेरे दोस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई यार तू वापस आ गया। भाई मैं वापस नहीं आया हूँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल में दाखिल थे, इनका हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या हो गया था आपको? वो मेरा यार शुगर कम हो गया था थोड़ा, तो मेरे घर से ले लेते। आज तो पॉइंट मार गया आते ही। छोड़ यार, तू तू बता, तू इतने दिनों से कहाँ था? कितने दिनों से कहाँ था? सबको पता भाजी मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे, सारे वापस नहीं ना आए। चल छोड़ यार, तू तो मुझे भूल ही गया था यार। आपको कोई कैसे भूल सकता है, प्रधानमंत्री से ज्यादा तो आप न्यूज में रहते हैं। पाजी मैंने क्या क्या सोचा था, ऑस्ट्रेलिया में जो फोटो खींची है वो इंडिया जाकर पोस्ट करेंगे, यहाँ जब वापस आए तो पहले से फोटो छपी हुई थी। और वो फोटो छपी हुई थी जो हमने खींची भी नहीं थी। चंदू तुझे तो पता है यार मैं थोड़ा बड़बोला हूँ उसमें, इसीलिए आपके साथ खड़ा हूँ मैं। आप बड़बोले और दिल के थोड़े अच्छे हैं। और सही बात है पाजी, वो कहते हैं ना कि वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। और पाजी इसने जो भी काम किया है ऊंचाइयों पर किया है, चाहे वो मुझे समझ नहीं आता पाजी, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की नजर लगी थी। सही बात है पाजी, हम कंगारू देखने गए थे, बीच में पता नहीं क्या हो गया, सारे कंगारू हमारी तरफ देख रहे थे। चल ठीक है, ज़्यादा बोलना, तुझे ऑस्ट्रेलिया में ही ले गया था, नहीं तो तुझे पता था किधर पड़ता है? अब सारी दुनिया को पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ता है। हेलो, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी शो है, कर लेंगे सर। हाँ जी जी, कपिल जी भी साथ में ही हैं। कहाँ का शो है? ऑस्ट्रेलिया का? फ्लाइट्स अलग अलग करवा देना हमारे, हम कर लेंगे। चल हो गया तेरा, अभी बता आगे का क्या प्लान है? आगे वही शनि इतवार रात 9 बजे सोनी टीवी पे। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, इसी बात पे एक एक कप चाय हो जाए। सही बात है, मंगा लो फिर। मंगवा लो क्या, तू ले गया? अबे शर्मा अबे इधर, मैं चाय पिलाऊंगा आपको। नहीं तो तुझे क्या, मैं सिद्धू जी की जगह बिठा दूं। पप्पू शर्मा, चंदू तुम मुझे देख रहे, इतना हैरान क्यों हो रहे, मेरे पूछने के लाई है? बताओ, हैरान तो तुम्हें देखकर होना चाहिए, कितने कॉन्फिडेंस के साथ नकली औरत बनी हुई है। एक्सक्यूज मी, जस्ट शो मी सम रिस्पेक्ट, आई हैव क्लास। वैसे चाय वाला आ गया है, जाओ धो लो सारे ग्लास। तो फिर क्या है, चाय वाला क्या होती है? मैं पाजी मेहनत करता हूँ, कमा के खाता हूँ, तुम्हारी तरह जेंडर मजदूरी नहीं करता हूँ मैं। इस आदमी को लाने की क्या जरूरत थी, इसकी जगह कुछ आम पापड़ ले आते ना तो ज्यादा मजा आता। पाजी मुद्दे लाख बुरा जाए तो क्या होता है? Who is this मुद्दे? अरे बुरा क्यों चाह रहा है? What's his problem? Why is he so negative? Just shut up. मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है पाजी? क्या होता है? क्या होता, होता, होता है जो मंजूर है खुदा होता है। यार पाजी कुछ भी होता हो लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं होता है। मैं भी उद्रू में एक शेयर हाउस करना चाहूंगी। इसमें उद्रू में जिसका कोई नहीं होता,
जिसका कोई नहीं होता उसकी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तुम्हारी अरेंज मैरिज, तुम्हारी ब्लेम मैरिज होगी। जाओ बाहर किसी पर ब्लेम लगाओ जाकर ताकि तुम्हारी शादी हो। चंदू ये बहुत ज्यादा हो गया। ओके अच्छा मैं ये सहन नहीं करूंगी। रुक जा रुक जा। ओ हेलो क्या करने लगी है? ओ हेलो एक औरत का मजाक उड़ाने वाले के पैर नहीं तोड़ते, तोड़ते हैं उसकी दुकान। जय महेश्वरी। अगर किसी ने मेरे दोस्त की दुकान को हाथ भी लगाया तो हैं? ओ इधर मेरी बात सुनो, ये गाना तो मैंने अपनी एंट्री पे बजवाया था, तुमने कैसे लगवा लिया? पता नहीं यार, मैंने बोला किसी गरीब आदमी का गाना लगा दो, उन्होंने ये लगा दिया। कपूर शर्मा एक बात बताइए, ये लावा प्रेजेंट्स है के प्रावा प्रेजेंट्स है? ये आपके दोस्त तो खत्म ही नहीं हो रहे, और भी तीन चार खड़े हैं बाहर, तो बुला लीजिए फिर। हेलो इधर को मजे लेने नहीं आया, अपने दोस्त की दुकान बचाने आया हूँ। तू मेरी दुकान बचाने क्या अपने शुरू करने के लिए आया है? ये बात सही है, इतनी प्रॉब्लम किसी को मंडे के आने से नहीं होती है जितनी इस आदमी के आने से हो रही है। ओ उबले हुए भालू, एक तो थोड़ा उधर रह, हम दोस्तों के बीच में तू मत आ। देखो दोस्तों के बीच आई वो तो छोड़ दो, अगर दोस्तों के ऊपर आ गई ना तो ये बचपन के दोस्तों की चटनी बन जाएगी। ओ बम्पर खबरदार, अगर मेरे दोस्त के साथ जुबान लड़ाई तो हथौड़ा मार इसके सर पे। ओ गद्दार दोस्त। सिद्धू पाजी दोस्त बनाए थे हमने के वक्त पे काम आएंगे, अब काम का वक्त आया तो ये दोस्त कटप्पा बन गया। देखो ऐसी बातें करता तभी नहीं बुलाते तुझे। कपूर तू तो ऐसी बातें मेरे साथ मत किया कर, पता है इसको यहाँ पे कौन लेके आया? पाजी मैं। अच्छा? 3 महीने इसको रोज घर में समझाता रहा हूँ कि यहाँ आ यहाँ आ। हाँ मुझे समझाता रहा, कहता जा जा शो में तेरे बहाने मेरी भी एंट्री हो जाएगी। तेरी क्यों ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होता है, मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये वाला। अभी मैं इसी रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में आ गया ना, मुझे सूझ गया कि तुम दोनों के साथ क्या करना है, इसी रास्ते से वापस आऊंगी, फिर तुम दोनों को रास्ते पे ना ले आई तो मेरा नाम बदल देना। आए बड़े यार तुम इधर करने क्या आए हो सब बताओ। कुछ नहीं यार, मैंने कहा ईद आई थी तो मैं भी आ जाता हूँ। तू सलमान खान है जो ईद पे निकल आता है? चलो नहीं, सलमान खान ट्यूबलाइट तो है ना बेचारा। कोई बात नहीं पाजी, ट्यूबलाइट लेट जलती है पर पूरी रोशनी देती है बाद में। इधर करने क्या रही है बता। यार तुम दोनों इकट्ठे हो, मैं बेस्ट विशेस दे आता हूँ। मैं भी जा रही हूँ, बेस्ट विशेस देने के लिए आता, बाद में चेक लेकर चला जाता ये। यार चेक का भूखा नहीं हूँ। हाँ तो कैश दे दे। देखो भीख देखो पाजी, भीख मांगने कैसे कैसे तरीके हैं, चेक दे दे कैश दे दे, ऐसे नहीं सुधरेगा लोग। हेलो हाँ जी हाँ जी, ए 2 टिकटें चाहिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट की। हाँ जी किसी को कुछ समझाना है मैंने। ऑस्ट्रेलिया में तेरे साथ अच्छा हुआ था कपूर, तू ठीक था। शट अप, मुझे बीच में मत लाओ, मैं नहीं आजकल किसी के बीच में बोलता। ये पुराना एपिसोड चलाया था ना, तुम नजर नहीं आती उसमें। हमारी एग्जिट हुई थी तो तुम्हारी एंट्री हुई थी। कोई गल नहीं, खुशी की बात है, वैसे लॉन्ग टाइम नो सी। या इट इज वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली आई वाज बिजी इन माय समथिंग बिजनेस। मेरा यार आज भी नहीं बदला, उतनी गंदी इंग्लिश आज भी। अच्छा देखो पाजी, जज कौन कर रहा है? प्रोफेसर फर्नांडिस। कपिल शर्मा मैं शो में आ गया हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या? सबसे पहली मेरी शर्त ये है कि मेरी सरला के साथ ना अफेयर वगैरह करवा दो। वाह जरा सा हेलो क्या कह दिया, इसका तो हौसला ही बुलंद हो गया। और 2 रुपए का गुड़ खा मखा श्रीखंड हो गया। खैर अपना सरल आज का क्या प्रोग्राम? सरल सरल No, I'm very difficult. I'm not subtle. और वैसे भी
बड़ा रूहाना प्रोग्राम है. वेरी गुड. ईद है तो ईद पे गले नहीं मिलेंगे भाईजान. उतने पाजी मेरे को ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं बुरी लगी थी जितनी ये बुरी लग रही है. मेरी बात सुनिए, ये बातें भाईजान वाली मेरे साथ नहीं करनी. वो देखो नेशनल पाजी बैठे हुए, उनके गले लगो जाके. खबरदार खबरदार, मेरे होते हुए अगर सिद्धू जी को कोई गले लगाया तो. ठीक है सरला, तू मेरे गले लग जा. तुम क्यों मेरे गले लगोगे? मैं कप्पू के गले लगूंगी. मैं मौत के गले लग जाऊं, तुम्हारे गले लग जाऊं? यार आपस में मत लड़ो सरला, आई एम टेलिंग, गिव मी हग. व्हाट? मतलब ईद निकल चुकी है, सिवैया नहीं खाई हमने. हाँ तो है ना. हाँ. अंदर एक पेशेंट है, उसके परिवार वाले सिवैया लेके आए हैं, सब साथ में जाके लूटते हैं. अच्छा वैसे ईद में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी ना. क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? गला ही नहीं है, मिलोगे क्या? देखो लड़ो मत. हाँ जी. तुम लोग एक काम, मेरी बात ध्यान से सुनो. ठीक है. और यहाँ पे ना कवि सम्मेलन होने वाला है, तुम लोग फटाफट जाओ, तैयार हो जाओ और कहीं दूर निकल जाओ. ठीक है, फटाफट जाओ. चलो कवि आ रहे हैं, मैं तैयार होके आती हूँ. चलो चलो फटाफट तैयार होके आते हैं.